आपने कभी सरस्वती नदी के बारे में सुना है? क्या आपने कभी सरस्वती नदी को भारत के किसी भी भाग में बहते हुए देखा है? क्या आपने सोचा है कि आखिर क्यों ये नदी विलुप्त हो गई? दरअसल हम आपको इस नदी से जुड़े कुछ सवालों के जवाब देने वाले हैं, जो शायद इस नदी के रहस्य से जुड़ी कुछ बातों से पर्दा उठाने में मदद कर सकते। सरस्वती नदी भारत की 3 सबसे प्रमुख नदियों का हमेशा से हिस्सा रही है। सरस्वती नदी का उगम स्थान बात करते हैं तो ये राजस्थान में अरावली पर्वत श्रृंखला के बीच से निकली अलकनंदा नदी की एक सहायक नदी कहा जाता है, जिसका उगम स्थान उत्तराखंड के बद्रीनाथ के पास है। सरस्वती नदी का सबसे पहला उल्लेख प्राचीन हिंदू शास्त्रों में मिलता है, उत्तर वैदिक ग्रंथों में भी इसका उल्लेख मिलता है। इसके पानी का शक्तिशाली प्रभाव उन कुछ नदियों में से एक था जिन्हें कभी हिंदू धर्म में पूजा जाता था। यही नहीं, आज भी प्रयाग में त्रिवेणी का संगम स्थान है, जिसमें स्नान मात्र से भक्तों के पाप धुल जाते हैं। यदि हम वैज्ञानिक तत्वों की बात करें तो यह नदी हड़प्पा सभ्यता के दौरान अस्तित्व में थी। वास्तव में इस सभ्यता के कई महत्वपूर्ण भागों का निर्माण सरस्वती नदी के ही तट पर हुआ था। हरियाणा के सिरसा नामक एक कस्बे में कहीं विलुप्त हो गई थी। महाभारत में वर्णित राजा पुरुवा सरस्वती नदी के तट के पास अपनी होने वाली पत्नी उर्वशी से मिले थे। महाभारत का युद्ध न केवल सरस्वती नदी के पास लड़ा गया था, बल्कि उसका पाठ भी तटों के पास ही हुआ था। हिंदू पौराणिक कथाओं की माने तो सरस्वती नदी देवी सरस्वती का ही एक रूप थी। माता सरस्वती को ज्ञान, संगीत, रचनात्मकता की देवी माना जाता है। ग्रंथों में उल्लेख है कि भगवान शिव और देवी पार्वती की भी संतानों में से कार्तिकेय सरस्वती नदी के तट के पास देवसेना का रक्षक नियुक्त किया गया था। भगवान विष्णु के एक अवतार परशुराम ने अत्याचारी राक्षस की हत्या के पाप का पश्चाताप करने के लिए सरस्वती नदी के पानी में स्नान किया था, जिससे उन्हें पापों से मुक्ति मिली थी। शास्त्रों के इस बात का जिक्र है कि एक बार जब वेदव्यास सरस्वती नदी के तट पर भगवान गणेश को महाभारत की कथा सुना रहे थे, उस समय ऋषि ने नदी को धीरे बहने का अनुरोध किया ताकि वह पाठ पूरा कर सके। शक्तिशाली सरस्वती नदी ने उनकी बात नहीं मानी और अपने तीव्र प्रवाह में बहती रही। नदी के इस व्यवहार से क्रोधित होकर भगवान गणेश ने नदी को श्राप दिया कि वह एक दिन विलुप्त हो जाएगी। शायद एक वजह यह है कि नदी आज अपना अस्तित्व खो चुकी है। एक अन्य कथा है, माता सरस्वती का जन्म भगवान ब्रह्मा के सिर से हुआ था। उन्होंने ब्रह्मांड का निर्माण किया था। उन सबसे खूबसूरत स्त्रियों में से एक थी जिन्हें भगवान ब्रह्मा ने देखा था। उनकी सुंदरता को देखते हुए उन्होंने सरस्वती जी से विवाह का प्रस्ताव रखा। उस समय माता सरस्वती उनकी इस इच्छा से सहमत नहीं हुई और नदी के रूप में जमीन के नीचे बहने लगी। ये थी सरस्वती नदी से कुछ रोचक तथ्य, जिनकी वजह से आज इस नदी के एक अस्तित्व नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी पवित्रता की वजह से इसकी पूजा की जाती है। ऐसे ही इंटरेस्टिंग बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।